कही अनकही बातें शुरू करते हैं लेकर प्रभु का नाम। आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में बताऊंगी जिसे सुनकर आप जरूर मोटिवेट होंगे। एक बार एक व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा था कि तभी उसने देखा कि एक हाथी एक छोटे से लकड़ी के खूंटे से बंधा खड़ा था। व्यक्ति को देखकर बड़ी हैरानी हुई कि इतना विशाल हाथी एक पतली रस्सी के सहारे उस लकड़ी के खूंटे से बंधा हुआ है। ये देखकर व्यक्ति को आश्चर्य भी हुआ और हंसी भी आई। उस व्यक्ति ने हाथी के मालिक से कहा, अरे ये हाथी तो इतना विशाल है, फिर इस पतली सी रस्सी और खूंटे से क्यों बंधा है? ये चाहे तो एक झटके में इस रस्सी को तोड़ सकता है, लेकिन ये फिर भी क्यों बंधा है? हाथी के मालिक ने व्यक्ति से कहा कि श्रीमान, जब यह हाथी छोटा था मैंने उसी समय इसे रस्सी से बांधा था। उस समय इसने खूंटा उखाड़ने और रस्सी तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह छोटा था इसलिए नाकाम रहा। इसने हजारों कोशिशें की, लेकिन जब इससे ये रस्सी नहीं टूटी तो हाथी को ये विश्वास हो गया कि ये रस्सी बहुत मजबूत है और ये उसे कभी नहीं तोड़ पाएगा। इस तरह हाथी ने रस्सी तोड़ने की कोशिश ही खत्म कर दी। आज ये हाथी इतना विशाल हो चुका है, लेकिन इसके मन में आज भी यही विश्वास है कि यह रस्सी नहीं तोड़ पाएगा, इसलिए इसे तोड़ने की तभी कोशिश नहीं करता। इसलिए इतना विशाल होकर भी ये हाथी एक पतली सी रस्सी से बंधा है। दोस्तों, उस हाथी की तरह ही हम इंसानों में भी कई ऐसे विश्वास बन जाते हैं जिनसे हम कभी पार नहीं कर पाते। एक बार असफल होने के बाद हम ये मान लेते हैं कि हम अब सफल नहीं हो सकते और फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते और झूठे विश्वासों में बनकर हाथी जैसे ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो दोस्तों, आप हाथी जैसे ज़िंदगी नहीं गुजारिए और जीवन में सफल होने के प्रयास करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।